निर्वाचन उपरांत कुल डाले गए मतों की संख्या 18, विद्यमान मतों की संख्या 17, अविद्यमान मतों की संख्या 1, अभ्यर्थी जिन्हें वोट मिले अटारिया लीला 11 जीत गए। भैया कितनी बड़ी जीत है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए देवास जिले के वो ग्रामीण कांग्रेस के हमारे सारे साथी जो चुनाव न लड़े हों पर उन्होंने ऐतिहासिक विजय श्री प्राप्त करवाई अपने साथियों को। हम लोग शुरू से कहते आए चुनाव संपन्न हुए कि बहुमत कांग्रेस के पास है, पर जिस दंभ के साथ जिस घमंड के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे थे, वो खुद नहीं बोल रहे थे, उनका बाहुबल प्रशासनिक बल शिवराज सिंह की वो कथनी करनी जिससे उन्होंने सरकार खरीदी थी वो प्रयत्न कर रहे थे। और मैंने परसों भी आपके आपसे चर्चा की थी, ये कहा था मैंने कि प्रशासन ने डराने का काम खूब किया। हम चौकस थे, हम चौकन्न थे, भाई सज्जन वर्मा जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता रात रात को नहीं सोया, उन सब साथियों के साथ खड़ा रहा, आंख नहीं मिचने दी हमने कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, कहीं कोई प्रशासनिक बल हमें परेशान न करे। परंतु माँ चामुंडा की कृपा और खेड़ापति सरकार के आशीर्वाद से आज सच सामने आया है। मैं भाजपा को हमेशा कहता आया, झूठ का पुलिंदा ज्यादा दिन नहीं चलता है। मैंने परसों भी कहा था कि धरातल पे तो आना पड़ेगा, आज वो धरातल पे उनको सोचना चाहिए कि कहाँ गलती हुई है। महंगाई का दौर अटा टूट, अर्थव्यवस्था जो टूट रही है, किसान मर रहा है, बेरोजगार युवक हो रहा है, कहीं कोई स्थिति में नहीं है कि लाभ की स्थिति किसी को दिखती हो। मैं ये भी स्वीकार करता हूं आप सबके सामने कि नगरीय क्षेत्रों में हम जरूर कमजोर रहे, परंतु 2023 का आगाज हो चुका है। हम संगठन के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ के चर्चा करेंगे और कौन कौन जयचन हमने छिपा है उसकी भी हम सूत्र निकालेंगे, उनको 2023 के पहले बाहर कर देंगे जिस तरह सिंधिया को बाहर कर दिया। अब आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस के साथियों से विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, जो जनादेश मिला है घमंड में ना आए, जनता की सेवा करें। ये एक साल जनता पर हम पे परख कर देखेगी, निगरानी रखेगी। हमारे सारे जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य सब लोग चौकन्ने होकर काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है पांचों विधानसभा पे इस बार ऐतिहासिक विजय 2023 में। विधानसभा चुनाव पर बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखेगा, मतलब इस चुनाव का? देखिए सभी लोग जानते हैं कि 2023 का ये सेमीफाइनल है। नगरी निकाय चुनाव रोकने का शिवराज सिंह ने बहुत कुप्रयत्न किया, रोज नए नए बहाने, कभी ओबीसी के आरक्षण का बहाना, कभी मौसम का बहाना, कभी परीक्षा का बहाना। पहली बार 16-0 का स्कोर था नगरी निकायों में। नगर निगमों की भी बात कर लूं तो 5 तो हम नगर निगम जीते, 2 बेईमानी से हराए गए, बुरहानपुर और उज्जैन, 1 आप पार्टी को, 1 निर्दलीय को। इस तरीके से 7-7 का स्कोर होता है।
जो ये संकेत करता है कि कांग्रेस पार्टी रिटर्न शहरों में आ चुकी है। आज सुबह तक बीजेपी द्वारा प्रयास किया जा रहा था अंतिम समय तक, इस पर क्या प्रतिक्रिया? सुबह तक मध्य रात्रि को 4 बजे तक भी टेलीफोन आते रहे, शिवराज सिंह जी से चर्चा कराने का प्रयत्न किया गया, राजा महाराजाओं से चर्चा कराने का प्रयत्न किया गया, पैसों का लालच दिया गया। मैंने पहले भी कहा कांग्रेस कार्यकर्ता न बिका है न बिकेगा, हमें एक वोट ज्यादा मिला है, इसकी जांच बीजेपी को करना चाहिए। धन्यवाद भाई।